What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty analysis from tradingfab.in. आज 28th मई थर्सडे है, सुबह के 8:23 हो रहे हैं। थर्सडे है, मंथली एक्सपायरी का दिन है आज। स्टॉक्स का भी एक्सपायरी का दिन है और निफ्टी और बैंक निफ्टी इंडेक्स का भी एक्सपायरी का दिन है, फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट्स का। तो काफ़ी कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं कि ये पिक्चर है कल का, यानी 27th मई आफ्टर मार्केट आर से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर यहाँ आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 9160 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 8963। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये निफ्टी इंडेक्स से दो लेवल्स के बीच में ओपन हुआ और काफ़ी देर तक एक चौपी मार्केट देखने को मिला। 12 बजने के बाद आफ्टर 12 PM दोपहर के बाद एक यहाँ पे जबरदस्त अपसाइड मूव देखने को मिला, जैसे US मार्केट में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी एक दिन पहले। तो यहाँ पर जैसे इसने ब्रेकआउट लेवल को ब्रेक किया, फर्स्ट टारगेट 9183 ये यहाँ पर अचीव हुआ। कुछ देर यानी ऑलमोस्ट 15 मिनट्स इस लेवल को ये पेनेट्रेट कर रहा था। ये लेवल ब्रेक होने के बाद सेकेंड टारगेट 9225 अचीव हुआ और इसको ब्रेक करने के बाद और भी तेजी निफ्टी इंडेक्स में देखने को मिली। वन वे रन था लेकिन काफ़ी वेट करना पड़ा इस, ये जो जोन बना था इसको, इसका ब्रेकआउट मिलने के बाद ये ब्रेकआउट लेवल के पास पहुंचा था। तो काफ़ी ज़बरदस्त तेजी कल देखने को मिली और कल के प्लान के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड करते तो अराउंड 43 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 32,250 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। चलते ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। कल भी अमेरिकी बाजार में तेजी देखने को मिली, नासडैक करीब 72 पॉइंट्स के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो तेजी के साथ वहां पर ट्रेड करते हुए दिखाई दिए। तो धीरे धीरे लॉकडाउन जो कि उसमें रिलीफ मिल रहा है, धीरे धीरे थोड़े बिजनेस चालू हो रहे हैं, इसका होप दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिल रहा है। एशियाई बाजार देखे तो लगभग सभी हरे निशान में ट्रेड रहे, लेकिन हांगकांग मार्केट को देखे तो वहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है। डाउ फ्यूचर देखें तो 183 पॉइंट की बढ़त के साथ इस समय ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट से इस समय पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करते हैं। ये निफ्टी इंडेक्स का वीकली चार्ट है, जैसे कि ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ड्रॉ किया था हमने, जो इसका बॉटम था और जो रिकवरी का टॉप था, इन दो पॉइंट को पकड़ के ये ड्रॉ किया था। तो इसका ये जो 38.2% का है जो लेवल है, यहाँ पर सपोर्ट का काम कर रहा है और कल भी देखें तो एग्जैक्ट ये 23.6% के लेवल के पास आके ये क्लोज हुआ है। तो अभी अगर जैसे ग्लोबल मार्केट के संकेत है, अगर ये ओपन होता है ऊपर की तरफ तो यहाँ पर फर्स्ट इसका रेजिस्टेंस का हर्डल होगा 9590, यानी ऑलमोस्ट 600 के पास एक रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद 9889 यानी 9900 के पास, जो कि यहाँ पर ये जो पिंक लाइन है 20 EMA का ये लाइन है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। हालांकि एक्सपायरी का दिन है, अगर डेली चार्ट में देखें यहाँ पर तो लास्ट जब ये एक्सपायरी था ये 30 अप्रैल, ज़बरदस्त तेजी के साथ यहाँ पर हमें निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड होते हुए दिखा। लेकिन दूसरे दिन जैसे ही नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ तो फिर से जो डाउन ट्रेंड था ये हमें यहाँ पर फिर से एक बार बनता हुआ नज़र आ रहा था। तो ये एक्सपायरी का दिन है, जो भी शॉर्ट पोजिशन क्रिएट करते हैं वो अपनी पोजिशंस क्लियर करते हैं और जो शॉर्ट नए शॉर्ट यहाँ पर फ्रेश करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो उनके वजह से भी मार्केट में थोड़ा सा गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो कल हम डेली चार्ट में जिस लेवल्स की बात कर रहे थे, ये ऊपर में ब्रेकआउट लेवल हो सकता है और इस कैंडल का ये जो लो है ये ब्रेकडाउन लेवल का काम कर सकता है। तो कल आप देख सकते हैं 3 दिन इसके पहले इसने ट्राई कर रहा था ये, लेकिन फेल हो रहा था यहाँ पर। लेकिन कल जब इसने इन लेवल्स को ब्रेक किया, ये इस कैंडल का हाई फिर 20 EMA, इनको ब्रेक कर दिया, तो ज़बरदस्त तेजी हमें यहाँ से देखने को मिली। तो अगर आज गैप अप ओपन होता है और अगर ये 50 EMA के पास चला जाता है, यानी ऑलमोस्ट अभी 50 EMA 9446 के पास है, यानी 9440 पकड़ लेते हैं, तो यहाँ पर एक मेजर रेजिस्टेंस होगा एज पर डेली चार्ट। लास्ट 2 टाइम्स हमने देखा है कि ये 20
ईएमए के बाद 50 ईएमए के पास ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, इस लेवल के पास ये सस्टेन नहीं हो पा रहा है। तो अभी क्या ये फिर से हमें देखने को मिलेगा, या फिर इन जो ये लेवल्स थी 50 ईएमए की, इनको फिर से एक बार ब्रेक करेगा और ये टुवर्ड साउथ नॉर्थ की तरफ यहाँ से मूव करेगा। आरएसआई को देखे तो आरएसआई ने कल यहाँ पर राइजिंग बॉटम्स बना दिया, ये देखिए यहाँ पर। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे थे लोअर हाईज बन रहा था, और उसके बाद इसने और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ ये मूव दिखाया, लेकिन ये जो इनसाइड बार ट्रेडिंग चल रहा था काफी दिनों से, तो यहाँ पर आरएसआई फिर से एक बार टूवर्ड्स नॉर्थ की तरफ ये डायरेक्शन दिखा रहा है और हायर बॉटम्स इसने क्रिएट किए। हालांकि ऊपर प्राइस एक्शन में इसे 50 ईएमए के ये लेवल को क्रॉस करना काफी जरूरी होगा, इसके ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से अपसाइड मूव हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल सकती है। अगर हम मंथली चार्ट की बात करें, इस वीक के शुरू में हमने यहाँ पर ये सपोर्ट को आइडेंटिफाई किया था 100 ईएमए के पास, जो कि अराउंड अभी 8790 के पास है। तो ये सपोर्ट काफी एज पर लॉन्ग टाइम फ्रेम के चार्ट की बात कर रहे हैं, तो 8790 के पास अभी इस वक्त ये 100 ईएमए है मंथली चार्ट में, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। तो यह था मंथली, वीकली और डेली चार्ट का सिनारियो। चलते 60 मिनट की चार्ट में। उससे पहले कल जो हम एनालिसिस कर रहे थे आरएसआई वर्सेस ये प्राइस एक्शन, तो यहाँ पर अगर मैं कैंडलस्टिक की जगह पे लाइन चार्ट कन्वर्ट कर दूँ, तो कल यहाँ पर ये दिखाई दे रहा था कि ये यहाँ पे लोअर हाईज यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, लेकिन जो स्विंग लो है, ये जो स्विंग लो है, इसे इसने ब्रेक नहीं किया था, ये टूवर्ड्स यहाँ से ये साउथ की तरफ आ रहा था। तो एग्जैक्ट कल अगर आप यहाँ पर देखें तो इसी स्विंग लो के पास आरएसआई ने भी एक बॉटम फिर से बनाया और ऊपर की तरफ ये मूव हुआ, तो यहाँ पर क्लियर कट ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन यहाँ पर बना हुआ है, और इसने इसका नेक लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया। तो निफ्टी में जबरदस्त, हमें जबरदस्त तेजी यहाँ पे देखने को मिली। तो जैसे कि ये 60 मिनट का चार्ट है, अगर आप 120 मिनट्स यानी 2 आवरली चार्ट में देखें तो यहाँ पर आपको और क्लियर पैटर्न ये दिखाई देगा। ये देखिए एग्जैक्ट डबल बॉटम नहीं है, अगली डबल बॉटम फॉर्मेशन है, ऊपर प्राइस एक्शन में भी इसने डबल बॉटम फॉर्मेशन किया है और नेक लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया। तो आज है एक्सपायरी का दिन, काफी वोलेटाइल मार्केट हो सकता है, तो आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं। निफ्टी इंडेक्स अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये जो लेवल है जहाँ पर ये फॉल आने के बाद एक सपोर्ट टेस्ट कर रहा था निफ्टी इंडेक्स, तो ये हो सकता है 9350 आज का ब्रेकआउट लेवल, और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9407, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9435, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। अगर गैप अप ओपन होता है, एक्सट्रीम गैप अप ओपन होता है, तो वेट करना होगा इन लेवल्स के ऊपर, अगर सस्टेन होता है निफ्टी इंडेक्स तो ही हम इंट्राडे के लिए बाय पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9490, ये हमारा तभी फर्स्ट टारगेट होगा अगर गैप अप ओपन होता है, और इन सेकेंड टारगेट ये R1 का जो पिवट पॉइंट है इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, तो ही इंट्राडे के लिए हम बाय पोजीशन बना सकते हैं सस्टेन होता है तो, नहीं तो वेट करना होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ ये अगर मूव करता है तो यहाँ पर लास्ट जो आर्स बचे थे यहाँ पर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन जैसा पैटर्न यहाँ पर क्रिएट हुआ है, तो इसका लो अगर ब्रेक करता है यानी 9244 जहाँ पर इसने रेजिस्टेंस का काम किया था, ये लेवल अगर ब्रेक होता है 9244 तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा पिवट पॉइंट का लेवल 9217, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, और सेकेंड टारगेट होगा 9182, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।